नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडल की खबरों के साथ। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आगरा जिला प्रशासन ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी को लेकर नया आदेश जारी किया। होटल संचालकों को एक हाल में अंदर 100 लोगों की सीमित संख्या और रात 11 बजे तक आयोजन करने के दिशा निर्देश दिए गए। प्रयागराज में बसपा के मंडली सम्मेलन में मुख्य कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। वहीं पूर्व मंत्री नकुल दुबे कार्यकर्ताओं को समझाते हुए दिखाई दिए। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में वाराणसी लखनऊ हाईवे पर चलते स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, जैसे कि गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकले, जिसके बाद घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में कोरोना के चलते 40 साल के कैदी की मौत हो गई। बता दें कि कैदी 6 महीने पहले गैंगस्टर के मामले में जेल में बंद था। डॉक्टर के मुताबिक खून की उल्टी के बाद कैदी की मौत हुई। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोंडा के एटिया थोक थाना क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि दबंगों ने पुलिस से सांठगांठ कर महिलाओं को बेरहमी से पीटा। लखीमपुर के शाहजहांपुर मार्ग पर कंटेनर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें इसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में महिला की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।